हाय फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि एक टन ओर से एक ग्राम सोना निकाला जा सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि 41 स्मार्टफोनों से भी एक ग्राम सोना निकाला जा सकता है। कुछ ऐसे ही मजेदार और नॉलेजेबल फैक्ट्स के साथ आज का अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करें। दोस्तों, कोडैक कंपनी का नाम शायद आज बड़े बड़े लीडर्स के साथ ना लिया जाता हो, लेकिन कोडैक कितनी बड़ी कंपनी थी इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि नासा ने चांद पे फोटोग्राफी करने के लिए कोडैक कैमरास को ही पसंद किया था। और अपने अच्छे टाइम में कोडैक 90% शेयर ओन करता था हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का। कोडैक ऐसी कंपनी थी जो डिजिटल एज की वजह से नहीं मरी। कोडैक की लैकनेस डिजिटल एज की वजह से बिल्कुल नहीं हुई। कोडैक ही पहली ऐसी कंपनी थी जिसने डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया था इन द ईयर 1975। लेकिन कोडैक हम लोगों का मूड जानने में असफल रही। कोडैक का यह मानना था कि इंसान जो होते हैं उनको फिजिकल फोटोग्राफ देख के जो मजा आता है वो शायद डिजिटल फोटोग्राफ देख के नहीं आता। प्लस कोडैक को डिजिटल फोटोग्राफ से इतना प्रॉफिट नहीं था जितना कि फिजिकल फोटोग्राफ से था, और यही लैकनेस कोडैक को लेट हुई और दूसरी कंपनी ने डिजिटल एज में कदम रखते हुए कोडैक को बहुत पीछे छोड़ दिया और कोडैक ने फाइनली बैंकरप्सी फाइल कर दी। दोस्तों, फेसबुक से तो आप सब वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फेसबुक पे सबसे पहला अकाउंट किसका था? जी हाँ, आपके माइंड में एक ही नाम गुजरेगा, वो है मार्क जकरबर्ग। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आईडी के हिसाब से बात करें तो मार्क जकरबर्ग की आईडी नंबर है 3, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 आईडी है ही नहीं। नंबर 3 से ही शुरुआत होती है और तीसरे नंबर की आईडी मिस्टर मार्क जकरबर्ग की ही है। और क्या आप ये जानते हैं कि पहला इंडियन जिसकी फेसबुक पे आईडी बनी उनका नाम था सचिन कुमार। फेसबुक आईडी नंबर है 1503। आप ये चीज वहां जाके चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि 2005 में वीडियोस का साइज 15 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता था, और ये साइज की लिमिट यूट्यूब ने खुद 2010 में हटा दी, टू इनफाइनाइट कर दी। लेकिन जो एक फाइल साइज है वो 20 गीगाबाइट्स का रखा। लेकिन यूट्यूब ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ये लिफ्ट बैन करने से क्या चीज उनके सामने आने वाली है। 2010 में जब ये बैन यूट्यूब ने खत्म किया, तो जुलाई 2011 में एक पर्सन जिनका नाम है जोनाथन हार्चिक, उन्होंने 571 घंटे की एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी। उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको पूरे 23 दिन लगेंगे उस वीडियो को देखने में। इस वीडियो में जोनाथन हार्चिक ने अपनी एक टूर की वीडियोग्राफ्स प्लस फोटोग्राफ्स दोनों मिक्स करके ये चीज डाली है। उन्होंने सारी चीजें 20 गीगाबाइट्स में कैसे अपलोड की हैं वो तो वही जाने, लेकिन इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट दिस। उन्होंने ये चीज एक चैलेंज के तौर पे की है और आज भी ये चैलेंज बरकरार है। 571 घंटे से ज्यादा की वीडियो अभी तक यूट्यूब पे और कोई नहीं डाल पाया। ये रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। दोस्तों, स्मार्टफोन आज की डेट में एक पसंदीदा चीज भी है और एक नेसेसिटी भी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, स्मार्टफोन असलियत में लॉन्च 1992 में हुआ था, और उस टाइम पे स्मार्टफोन वर्ड नाम का कोई वर्ड था ही नहीं। स्मार्टफोन वर्ड का नाम 1995 में चलन में आया और ये हिट हुआ 2007 में जब एप्पल ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया। लेकिन वापस चलते हैं सन 1992 में। 1992 में जो फोन लॉन्च हुआ उस फोन का नाम था साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर। ये सही मायने में पहला स्मार्टफोन माना जा सकता है। ये स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी का नाम है IBM। उन्होंने इसकी 50,000 यूनिट सन 1992 में बेची थी, लेकिन ये उतना हिट नहीं हो पाया जितना आपने एप्पल को हिट होते हुए देखा है। शायद सही टाइम पे सही काम करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपका आइडिया जितना मर्जी ब्राइट हो वो हमेशा फ्लॉपी हो जाता है। दोस्तों, ट्रेन में तो आपने जरूर सफर किया होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कई बार स्टेशन के नाम के पीछे टर्मिनल, जंक्शन और ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं, वो क्यों होते हैं? इसका रीजन ये है कि स्टेशन कायदे अनुसार 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। नंबर 1 इज टर्मिनल, दूसरा सेंटर, तीसरा जंक्शन। जी हाँ, ये 3 अलग अलग तरीके के स्टेशन होते हैं। पहले स्टेशन की बात करें जिसमें आता है टर्मिनल। टर्मिनल उस स्टेशन को बोला जाएगा जहां पर ट्रेन आकर खत्म हो जाएगी, उससे आगे ट्रेन नहीं जाएगी। इट मीन्स कि जहां पर ट्रेन का ट्रैक एंड हो जाता है वो वाला स्टेशन
के पीछे जो नाम लिखा होगा वो टर्मिनल लिखा होगा। सेकंड बात करते हैं सेंटर की, जैसे कि मुंबई सेंटर, त्रिवेंद्रम सेंटर। सेंटर वो वाले स्टेशन को नाम दिया जाता है जहां पर वो नंबर ऑफ कॉरिडोर हों और वो नंबर ऑफ ट्रेन को केटर करें, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन गुजरती हों, यानी कि अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट्स में जाने के लिए अलग अलग ट्रैक्स। और तीसरे की बात करते हैं जंक्शन। जी हाँ, जंक्शन एक ऐसा स्टेशन होता है जहां पर आने के लिए तो एक ट्रेन होती है, बट वहां से डिपार्चर के लिए ट्रेन तीन अलग अलग जगह अलग अलग ट्रैक्स पे जा सकती हो। और सबसे बड़ा जंक्शन जो है वो मथुरा जंक्शन है, वहां पर ट्रेन आती तो एक ट्रैक से है लेकिन वहां से अलग अलग सात जगहों पर जा सकती है। तो ये कुछ मजेदार फैक्ट्स थे जो आज आपने जाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आई अप्रिशिएट योर टाइम जो आपने मुझे दिया। थैंक्स।